स्वागत है फिर से नए वीडियो में दोस्तों। मेरा नाम है करना था मैं तो, और आप देख रहे हो फोटो दिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, जब आपका ब्रेक नहीं लगता है तो उस समय आपका क्या होता है, गियर भी शिफ्टिंग नहीं होता है, एक नंबर दो नंबर जिसमें लगा हुआ रहता है उसी में लगा हुआ रहता है। तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, और सेफ्टी के साथ करना है ताकि आपका इन फ्यूचर में गियर बॉक्स के साथ कुछ ना हो जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, जब इससे आपका लीकेजिंग होने लगता है दोस्तों गियर ऑयल ना ब्रेक ऑयल, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, मुख्य बातें हैं दोस्तों इसमें आज हम बातें करेंगे इसके बारे में। ब्रेक जब फेल होने के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए, कितना दिन के अंदर आपको लगाना चाहिए उस चीज़ों को, और ब्रेक से यार कैसे निकाला जाता है दोस्तों, सब कुछ दोस्तों वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और क्या होता है ना, गियर को टाइट नहीं रहता है, काफ़ी दिन होने के बाद क्या होता है ना लूज हो जाता है, पंप मारना पड़ता है, तो उस दौरान आपको यार निकालना है, कैसे यार निकालना दोस्तों, वीडियो में सब कुछ जानकारी आपको इसमें मिलेगा। चलो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा सवाल रहता है कि कैसे क्या करें और कितना नंबर ब्रेक ऑयल डालें, सब कुछ जो है इस वीडियो में दोस्तों आपको जानने को मिलेगा। ये जो नया वाला देख पा रहे हैं किस तरह से लगेगा दोस्तों, 100 नंबर यहाँ पे लगेगा और 102 नंबर लगेगा, दो ठो वायर है तो दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट में ही हम लोग का गियर चेंज होता है दोस्तों। तो इसको अभी लगाएंगे, लगाने के बाद दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्यूल को डालेंगे, उसके बाद किस तरह से यार निकालेंगे। हालांकि मैंने यार किस तरह से निकाला जाता है वो तो दिखा नहीं पाऊंगा दोस्तों, और बताऊंगा उससे आप समझ जाइएगा कि इस तरह से क्या होता है दोस्तों। और देख सकते हैं नया को अभी लगा रहे हैं, यहाँ से 13 नंबर लगेगा दोस्तों यहाँ पर, कभी बढ़िया से नहीं तो स्लिप मारने का चांस होता है, अगर बढ़िया पाना नहीं होगा ना तो वहाँ पर स्लिप भी मार सकता है दोस्तों। दोस्तों सब कुछ हो गया वायर फेयर लगाने के बाद, आप सभी फ्यूल को फिलअप करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जीरो है, एकदम जीरो हो गया मेरा तेल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालेंगे, और दोस्तों एक बात का हमेशा याद रखिए कि कितना नंबर यहाँ पे डालेंगे ऑयल, ये भी देख लीजिए, ब्रेक फ्यूल यहाँ पे डॉट थ्री जो है देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका कम से कम 250 ml है और इसका दाम है 124 रुपये दोस्तों। तो इस तरह से आप मंगवा सकते हैं दोस्तों, मंगवाने के बाद जो अगर थोड़ा बहुत कम हो गया तो आप डाल दीजिए, नहीं तो हमेशा रखे रहिए गाड़ी में, नहीं तो फिर जब ज़रूरत में नहीं मिलता ना दोस्तों तो इस तरह का समस्या होता है मशीन के साथ दोस्तों। जब भी आपका ब्रेक से गियर चेंज नहीं हो ना तो दोस्तों आप रिक्स ना लें ज़्यादा, क्योंकि रिक्स लेने से क्या होता है ना, वो जो ब्रेक आपका जो है गियर बॉक्स है वो टूटने का चांस रहता है, बहुत सारा झमेला हो जाता है दोस्तों डायरेक्ट करके चलाने में। तो मेरा भी वीडियो पहले से एक था जो 4-5 साल पहले मैंने अपलोड किया था उसको, तो अभी इसको डालेंगे, मतलब एक दिन दो दिन मेरा चला मशीन इसी डायरेक्ट करके, उसके बाद ही मेरा सामान आ गया तो मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ, ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इसमें। और अभी डालेंगे तेल को दोस्तों, और दोस्तों क्या था कि ना जब आपका इस तरह से हो जाए तो मान लीजिए अभी तेल डाल लेना है आपको, ऑयल डाल लिया, उसके बाद आपको किस तरह से चेंज करना है दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको पीछे में एक निपुल जैसा रहेगा, जैसे पाइप गया पीछे में, मतलब दोनों साइड में एक्सल जो है ना रहेगा आपका, दिखाऊंगा वीडियो में लास्ट में, अभी फिलहाल डाल लेते हैं, उसके बाद ही आपको दिखाऊंगा वो वाला सीन कहाँ पे डालना है, कहाँ से यार निकल, वो भी 13 नंबर रिंग से खोलिएगा दोस्तों, तो तब की बढ़िया से खोला जाए, बढ़िया से टाइट भी हो जाए, कहीं स्लिप फिलिप ना हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उसको एक एक को टाइट करना है दोस्तों, पहले एक को टाइट कीजिएगा, खोलिएगा एक से, फिर पाम मारेगा 8-10 बार, ऐसे चारों चक्का से आपको निकल लेना है दोस्तों, तब जाके बढ़िया से यार आपका निकल जाएगा। ये वाला देख पा रहे हैं दोस्तों चारों चक्का में होगा, पीछे वाला है इसीलिए इसको पहले लूज कर लेना, उसके बाद 8-10 बार पाम मारना है दोस्तों, उसके बाद जो है इसको आपको फिर यहाँ से देखते रहना है, एक आदमी सीट में बैठे रहेगा ताकि पाप यहाँ से बढ़िया से यार निकल रहे, उसके बाद इसको टाइट कर दीजिए, प्रेस करके जब आप टाइट कीजिए ना तो उसको ब्रेक को टाइट करने बोलिएगा, ब्रेक को पूरा हमेशा दबा के रखेगा वो, उसके बाद उसको टाइट कीजिएगा, फिर उसी तरह चारों में कीजिएगा, पाम मरेगा फिर प्रेस करके रखेगा ब्रेक को, उसके बाद फिर उसको टाइट कीजिए, उस तरह करके करिएगा दोस्तों, ठीक हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ